एक सेकंड नुपुर जी, आप जनता के सामने इतनी बदतमीजी करेंगी तो मुझे आतिशी बोलिए। अब आप शांत हो गई हैं? मैं तो शांत हूँ, आप सच बोलिए। आप प्लीज अब थोड़ी देर शांत जनता सामने और मेरे पास एविडेंस है। हाँ जी, आप सच बोलिए। अगला पैराग्राफ कहाँ है? कहाँ है अगला पैराग्राफ? जो सबमिशंस एलजी के ऑफिस द्वारा सुप्रीम कोर्ट में हुई हैं, उसमें ये स्पष्ट है कि 85% फाइल्स जो एलजी साहब के पास जाती हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ होम जो दिल्ली सरकार का है उससे होके जाती हैं, और वो पैरोल से रिलेटेड फाइल्स होती हैं। जो लोग अलग अलग जेल में होते हैं एलजी साहब ने पैरोल दे सकते हैं, पहली बात। प्लीज शो मी दी एविडेंस। तकरीबन 1000 ऐसी फाइलें होंगी। आप एविडेंस दिखाइए, अगर आपने सुप्रीम कोर्ट में डाला है, मेरे पास एविडेंस है। आप अपनी मन घड़ंग बातें मत बोलिए, आप जवाब दीजिए। नुपुर जी, अब आप प्लीज शांत हो जाइए। नहीं, मैं तो जवाब मांग रही हूं, मुझे जवाब चाहिए। 1000 फाइलें जो एलजी साहब के पास गई हैं, उसमें से तकरीबन 300-400 ऐसी फाइलें होती हैं जो पॉलिसी से रिलेटेड मैटर की होती हैं, जैसे हमें डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन करना है, जैसे हमें डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज करना है, जैसे हमें सीसीटीवी कैमरा लेके आनी है। तो अगर एलजी साहब कह रहे हैं कि जी मैंने 300 ऐसी फाइलें ही रोकी हैं, तो अगर आपने 300 फाइलें जो दिल्ली की जनता से रिलेटेड पॉलिसी मैटर्स के थे उन्हें रोक लिया है, तो दिल्ली की जनता के हित में कैसे काम होंगे? ठीक है, हम इतने दिनों से कोई 6000 में से 300 नहीं बता रहे, आपके आंकड़े कहां से आए? मैं यही तो पूछ रही हूं। हम इतने दिनों से पॉलिसी लाने की कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं, वो तो 219 बता रहे हैं को 6303 किराएदार, आपके आंकड़े कहां से आए बताइए? इतना झूठ ना बोले, 1000 में से 300 फाइल, सर पूछे 6000 में से आपसे सवाल है मेरा। आतिशी जी से, आतिशी जी, एक तरफ तो आप इतना खुश नजर आ रही हैं कि एलजी साहब की सारी बाधाएं दूर हो गई, और दूसरी तरफ अभी भी आपने इशू उठा दिया कि चेन स्नैचिंग हो रही है तो इनको पकड़ो क्योंकि दिल्ली पुलिस इनके पास है। तो क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि अभी वो आपके धरने प्रदर्शनों का दौर अभी जारी रहने वाला है, या फिर आपकी पूरी तवज्जो काम पे होगी क्योंकि 2019 नजदीक है? देखिए, इसमें जुड़े जो आपने इशू उठाए हैं, हमें दो चीजें समझनी होंगी। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है, वो अभी जो कानूनी व्यवस्था है जिसमें दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, उसमें दिल्ली सरकार के कितने अधिकार हैं और एलजी साहब के कितने अधिकार हैं उस पर हुआ है। तो अभी की स्थिति में ये कहा गया है कि लैंड, लॉ एंड ऑर्डर एंड पुलिस अभी भी एलजी साहब के पास है। हमने ये कहा था शुरू से कि एलजी साहब हमारी काम में अड़चन डाल रहे हैं, जो दिल्ली की सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, और जो पावर शीला दीक्षित जी के पास थी। अब जो शीला दीक्षित जी के पास पावर थी वो दिल्ली सरकार को मिल गई है, लेकिन जो हमारी राजनीतिक लड़ाई है दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए, वो हम लड़ते रहेंगे, क्योंकि बीजेपी की केंद्र सरकार को दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस की कोई चिंता नहीं है। आज भी दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंडर आती है, और जैसा मैडम ने कल्याणपुरी और मंडावली की बात करी, वहां पे जब चेन स्नैचिंग होती है तो राजनाथ सिंह जी को कोई चिंता नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं पता राजनाथ सिंह जी ने कल्याणपुरी का नाम भी सुना है कि नहीं। तो इसलिए राजनाथ सिंह जी कश्मीर की चिंता करें, छत्तीसगढ़ की चिंता करें, कल्याणपुरी और मंडावली की चिंता अरविंद केजरीवाल पे छोड़ दें। इसलिए पूर्ण राज्य का जो आंदोलन है वो हमारा चलता रहे। ये कह रहे हैं आप, आज तो कम से कम मान रहे हैं कि दिल्ली की चिंता हम पर छोड़ दें। अब मैं इनसे 3-4 सवाल ये पूछना चाहूंगा कि अगर हम दिल्ली में ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो जब शीला दीक्षित सरकार अपना ऑफिस छोड़ करके गई थी तो दिल्ली में 5800 डीटीसी बस थी, आज कम होकर के 3900 रह गई है, और जिस तरीके का पॉल्यूशन है हम देख रहे हैं दिल्ली स्कूल में। अगर हम बच्चों की बात करें दिल्ली सरकारी स्कूलों में, 2015 और 16 के बीच में 98,000 बच्चे, लगभग 1,00,000 बच्चे जो हैं कम हो गए हैं, जो छोड़ करके प्राइवेट स्कूलों में चले गए। और अगर आप बात करें कि किस तरीके से 10th क्लास का जो CBSE का रिजल्ट था, जो नेशनल एवरेज है वो 86% है, दिल्ली में इस साल एवरेज 69% है। तो कम से कम जब आज आपको सारी पावर सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है, तो आप इस मंच से ये वायदा तो कर सकती हैं कि जो नॉन परफॉर्मेंस रही, जिस तरीके से दिल्ली के लोगों का नुकसान अब तक हुआ, आप उस पर इंप्रूवमेंट करेंगे, और अरविंद केजरीवाल आप किसी और पर नहीं। एक सवाल यहां पर लेते हैं। मेरा सवाल आप दोनों से है कि जैसे कि आप आम आदमी पार्टी, एलजी, दोनों लोग साथ में मतलब लड़ रहे हैं बराबर, इसमें जनता फुटबॉल बन रही है, कब तक?
कब तक जनता फुटबॉल बनेगी? किसी को पानी नहीं मिल रहा है, विकास कब होगा? कोई झाड़ू लेके जाता है तो कोई विकास के वादे, हमें क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। मैं इसका जवाब सबसे पहले आपको देना मतलब इनको समझ में आ रहा है कि लड़ाई खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल नहीं, मैं आपको आपके मोड से वो समझ रहा है, झगड़ा नहीं है। मैंने आपके सामने पॉलिटिक्स है, सुनिए सुनिए, कुछ नहीं मिलता, विकास नहीं हो रहा। मैंने आपके सामने कुछ आंकड़े देखे, पानी वानी तो यही कराएंगे ना, दिल्ली की सरकार कौन चला रहा है? और मैं आपको एक बात बता दूं तो मैंने आपके सामने कुछ आंकड़े रखे। आतिशी जी ने कहा 1000 में से 300 फाइल, मैं 6303 फाइलों का आंकड़ा टोटल लेके खड़ी हूँ सर्वोच्च न्यायालय के सामने। झूठ नहीं बोला जाता जनाब, आप ये भी बता दीजिए रुक जाइए आतिशी, उसमें से साफ ये लिखा है कि सिर्फ 219 फाइल वापस भेजी गई है। 6000 में से 300 का आंकड़ा बता दीजिए। अभी ये कहती है कि राजनाथ सिंह जी को पता नहीं कल्याणपुरी का है, क्या अरविंद केजरीवाल जी को पता है जनकपुरी का है? अखलक के लिए दादी चले गए थे, डॉक्टर पंकज नारंग नहीं मरे थे क्या लिंच होके? क्यों नहीं गए जनकपुरी, पूछिए जरा, क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए अरविंद केजरीवाल जी? दिल्ली की चिंता नहीं है, पूरे देश विदेश में घूमेंगे भाई साहब, विदेश में बैठे थे, घूमने का खर्चा कितने लिया था मोदी जी, घूमते हैं नुपुर जी, तब क्या एलजी ने नहीं रोका था? ये कह रहे हैं कि एलजी हमें काम नहीं करने देते, जब इनके सहूलियत की बात होती है तो इनकी फाइलें पारित हो जाती है, जब वैटिकन घूमना होता है, इनके सारे मंत्रियों को देश विदेश के दौरे करने होते तो फाइलें पारित हो जाती हैं, 2 करोड़ के समोसे खाने होते हैं तो फाइलें पारित हो जाती हैं, लेकिन जब आप आम जनता का काम आता है, पानी बिजली सफाई का और एनसीडी के कर्मचारियों के वेतन का, तो इनके पास पैसे नहीं होते 10 रुपए का पेन भी खरीदने के लिए। ये झूठी राजनीति और दोगली राजनीति कौन कर रहा है आपके सामने, मैंने अभी साफ कर दिया है। मेरा सवाल आतिशी मैम से है, आप पार्टी एक पब्लिक इलेक्टेड पार्टी है राइट, तो सर्विसेज फेलियर के लिए भी अकाउंटेबल है, तो एलजी साहब के इंटरफेरेंस से आप पार्टी की इमेज नहीं खराब होती क्या? देखिए एक्चुअली समस्या क्या है कि अगर आप लोकतंत्र का ढांचा देखिए तो जनता इलेक्ट करती है एक पार्टी को, उसके MLAs कुछ मंत्री बनते हैं और वो सरकार चलाते हैं, लेकिन ये मंत्री ऐसा नहीं है कि खुद हर डिपार्टमेंट चलाते हैं, मंत्री आदेश देते हैं और अफसरों के माध्यम से वो आदेश इम्प्लीमेंट होते हैं। लेकिन पिछले 3.5 साल से जो गैर संवैधानिक तरीके से दिल्ली सरकार की पावर छीन ली गई, तो अफसर एक्चुअली जवाब दे दिल्ली सरकार को नहीं थे, वो तो एलजी साहब को जवाब दे थे, तो दिल्ली सरकार के मंत्री कुछ आदेश देते थे, अफसर मानने से मना कर देते थे। जिन अफसरों ने दिल्ली सरकार के साथ मिलजुल के काम किया उन पर तो CBI केस हो गए, जिन अफसरों ने दिल्ली सरकार का विरोध किया उनको बहुत अच्छी पोस्टिंग मिल गई। तो अफसरों को ये मैसेज क्लियर कर दिया गया था कि आम आदमी पार्टी के साथ काम करोगे और बाकी सब अपनी मारकटाई कर ली बनाया, तो इस और जो बचे आज ये स्पष्ट हो गया है, आज ये स्पष्ट हो गया है, आज के सुप्रीम कोर्ट जो बचे अफसर उनको आपने मारकटाई कर दी, स्पष्ट हो गया है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में, मतलब आपके मंत्री किसी के ऊपर करप्शन के चार्ज है, ठीक है, अधिकारियों पर उनके उनको डिफेंड करते हैं, अधिकारियों पर उनको डिफेंड करते हैं, मोहरा बनाया नहीं होनी चाहिए। नुपुर शर्मा, उनका आरोप सीधा है कि अधिकारियों को आपने मोहरा बनाया, कठपुतली बनाया, जो आपकी तरफ से काम करता था उसको तो प्रमोशन, उसको फायदा, अच्छी पोस्टिंग, जो इनके हक में जाता था उनके खिलाफ, तो जाहिर तौर पर यहां पर सबसे पहले तो ये चीज अगर ये एविडेंस के साथ बोलेंगी तो मैं मानूंगी, लेकिन मैं आपको एविडेंस देती हूँ। मिसेस शकुंतला गैमलिन सीनियर थी, जब स्टॉप गैप अरेंजमेंट था उनको चीफ सेक्रेटरी बनाना था, उस महिला अफसर के साथ इन्होंने कितनी बदतमीजी की इनकी सरकार ने, आप भूली नहीं होंगी 2015 अप्रैल की बात है, उसके बाद 2015 दिसंबर के अंदर डायनेक्स पूरे के पूरे 2 दिन के लिए पूरे धरने पे गए क्योंकि फिर इनके मंत्रियों ने बदतमीजी करी, और फरवरी 2018 के अंदर अंशु प्रकाश जी को तो उन्होंने थप्पड़ ही मार दिए, हाथ चला दिया। तो अफसर अगर मार नहीं खाना चाह रहा, बदतमीजी और गाली गलौच नहीं खाना चाह रहा, तो कोई आम इंसान भी नहीं खाना चाहेगा मार के। आरोप छोटा मोटा नहीं है आतिशी, चीफ सेक्रेटरी अगर कह रहे हैं कि उनको आधी रात मीटिंग में बुलाकर थप्पड़ मारा जाता है मुख्यमंत्री, और मेडिकल सर्टिफिकेट है भाई, ये छोटा मोटा आरोप नहीं, कोर्ट के अंदर मेडिकल सर्टिफिकेट है, मुझे मतलब पता है कि अभी प्रामाणिक रूप से इस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, लेकिन चीफ सेक्रेटरी अगर ऐसा कह रहे, सारे के सारे मोदी भक्त तो नहीं हो सकते ना। देखिए अंजना जी, ये केस जो है IAS अफसरों का, ये 4 महीने से इस पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इस पे सारे मंत्रियों को क्वेश्चन कर लिया गया, इस पे सारे MLAs को क्वेश्चन कर लिया गया, लेकिन 4 महीने के बाद भी चार्जशीट कोई भी नहीं फाइल हुई। अरे तो 3 साल में नहीं होती चार्जशीट, आप चुप हो जाइए, आप कब से चिल्ला रही हैं कोर्ट में, मैं प्रैक्टिस कर रही हूं 4 साल लगते चार्जशीट फाइल होने में, नुपुर वो उसी पे बोल रहे हैं, आप मार पिटाई को डिफेंड कर रही हैं, इनको इनके माइक म्यूट करने का कोई तरीका है क्या? मतलब अगर आप अभी मेरे को मार देंगी, सॉरी मैं नहीं बोलती, क्या पता मेरे पे हाथ उठा लें, बिल्कुल
तो नुपुर जी अब आप मैं कहा जाऊंगी मेरे को भी जाके डॉक्टर के पास जाके एमएलसी बनाना पड़ेगा, केस करना पड़ेगा। अंजना जी, अंजना जी, जो चीफ सेक्रेटरी का मामला था, जैसे ही ये मुद्दा उठा ये पुलिस में गया, जैसे ही ये मुद्दा उठा उस पर इन्वेस्टिगेशन हुआ, 4 महीने तक इन्होंने अपनी सारी एजेंसीज उसके खिलाफ लगा दी। और ये हमारी दिल्ली की जनता ने सबने देखा है कि अगर आम आदमी पार्टी के किसी के व्यक्ति के खिलाफ भी तिनके बराबर का भी प्रूफ होता है वो सीधा जेल के अंदर होता है। तो अगर इस केस में भी थोड़ी भी सच्चाई होती, थोड़ा भी एविडेंस होता, तो आप मेरी बात मान लीजिए, कोई MLA कोई मंत्री अभी तक जेल के बाहर नहीं होता। दूसरी बात, अफसरों की बात जो इन्होंने कही है, हम भी तो ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने अफसरों को मोहरा बनाया था इस लड़ाई में। तो ये अफसरों की हड़ताल कराते हैं, ये अफसरों को काम करने से रोकते हैं, ये अफसरों को कहते हैं कि जी अगर आप इनके साथ काम करेंगे तो हम आपके खिलाफ CBI इंक्वायरी करा देंगे। अधिकारी, तो इसलिए एक चीज में बोलना चाहूंगा, हमें अफसरों से कोई झगड़ा नहीं है। सुनिए ना, सॉरी मैं बात नहीं करना चाहती, पर भी बात सुन लीजिए, अफसरों के साथ आपने मार पिटाई की थी, लेकिन बोलने तो मैं बोलूंगी। बहुत 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 महत्वपूर्ण सवाल है मेरे पास। एक सेकंड नुपुर जी, शांत। हां, आप बोलिए, उन्होंने मुझे बोला बोलने के लिए वैसे तो, लेकिन मैं आपसे डरती हूं, आपका हाथ मेरे पोट गया तो मैं जाऊंगी। अफसरों हमें अफसरों से कोई मार पिटाई गाली गलौज की आदत है, हमारे हमने अफसरों के साथ मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया है, बिजली पानी के क्षेत्र में काम किया है, लेकिन क्योंकि इन्होंने अफसरों को मोहरा बनाया, अफसर खुद हमें आके कहते थे कि जी हम तो काम पे वापस आना चाहते हैं, हम हड़ताल नहीं करना चाहते, लेकिन हम पर केंद्र सरकार द्वारा दबाव बनाया जा रहा है।